हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान अहमद फारूकी। वेलकम टू प्रॉफिट जोन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम इमरान अहमद फारूकी है। मैं आप सभी को प्रॉफिट जोन में स्वागत करता हूं। प्लीज़ डोंट पॉज दिस वीडियो एंड सी, प्लीज़ सी वन बाय वन पॉइंट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो इस वीडियो को फास्ट करके मत देखिए, प्लीज़ ये वीडियो को कम्प्लीट देखिए, फास्ट मत कीजिए। आपको तभी पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे। I was delay making a video because I was busy with my work, personal work, so I could not make a video. And I appreciate all the subscriber and liking person who liked my videos and subscribe my channel and who has given the thumbs up for my videos. I really thanks you people for encouraging me to make this kind of videos again and again. I hope your support will always be there in future also to make this kind of videos. देखिए दोस्तों, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे वीडियोस मैं बार बार लेते आऊँ और आपके लिए मैं कुछ नया करके दिखाऊँ। और मैं सिर्फ, बहुत सारों ने कहा है, सिर्फ मैं बोलता हूँ भाई, मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, तो आप करके देखिए, आपको सही मानों में ये उपयोगी होगा ही होगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियोस। डिस्क्लेमर, दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है। सो अनदर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड मेंबर आर टिप्स प्रोवाइडर आर आई बिलोंग टू एनी टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा और एक डिस्क्लेमर है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, ना मैं टिप्स प्रोवाइडर हूँ, ना मैं उनकी कंपनी से बिलोंग करता हूँ। जो भी मेरी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सो माई ई मेल आई डी इज़ imran.ahmadia@gmail.com। सो मेरी ईमेल आई डी है imran.ahmadia@gmail.com। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट यू हैव, यू प्लीज़ राइट ए मेल टू मी, आई विल जस्ट सॉल्व दैट योर प्रॉब्लम। सो दिस इज़ माय ईमेल आई डी। अगर आपकी क्वेरी जो भी है, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे प्लीज़ ये ईमेल आई डी पर लिख के दीजिए, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मैनी ऑफ देम दे आस्क्ड सम पर्सनल क्वेश्चंस, हाउ मच यू हैव अर्नड, आई थिंक यू आर मेकिंग ए ह्यूज मनी, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस सर। It depends personally what we have learned, what we have experienced ourselves from past so many years in the stock market area. बहुत सारों ने कहा है कि आप बहुत अच्छा कमाते होंगे, आप ह्यूज अर्न करते हैं। ये आपका बिजनेस नहीं है सर, ये हमारा एफर्ट है जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है स्टॉक मार्केट में। वो अगर फल दे रहा है तो ऊपर वाले की दया है, उसका दुआ है जो हम कमा रहे हैं। तो वो स्ट्रेटजी हम आपको भी बता के दे रहे हैं ना सर, आप काम कीजिए, तो दूसरों की आप इसमें टंग क्यों उड़ा रहे हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, डोंट आस्क दैट पर्सनल क्वेश्चंस। यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस, वी विल सॉल्व दैट। ओके, सो लेट अस गो विद द स्ट्रेटजी। चलिए तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। सो टुडे स्ट्रेटजी इज कमोडिटी ट्रेडिंग टाइम। यस फ्रेंड्स, टुडे स्ट्रेटजी इज कमोडिटी ट्रेडिंग टाइम। दिस कमोडिटी ट्रेडिंग टाइम यू कैन ट्रेड एनी कमोडिटी। आई एम टेलिंग यू, यू कैन ट्रेड एनी कमोडिटी विद दिस स्ट्रेटजी। एंट्री टाइम इज एट 10:05 बिकॉज मार्केट ओपन्स एट 10 o'clock, यू हैव टू एंट्री एट 10:05 AM। एग्जिट टाइम इज 12:30 to 1 PM, दैट इज ओनली यू हैव टू वर्क विथ, यू कैन एग्जिट एट 12 ऑल्सो, 12 इज गुड, बट बेटर इज 12:30 or 1 o'clock डिपेंडिंग अपन द मार्केट सीनारियो। सो यू आर गिविंग ओनली यूर 2.5 hours to 3 hours टाइम इन द मार्केट, फ्रॉम 10:05 to 12:30 to 1। ओके, इट इज लेस देन इंडियन मार्केट टाइम। सो वन थिंग इज, इफ कैंडल ओपन्स रेड यू हैव टू सेल इट। ओके, if candle opens green you have to buy it. Haan, there is a risk if suddenly red is open and it has gone to green, some risk is there, you have to put a stop loss depending upon your investment. I'm telling you now itself, put a stop loss depending upon your investment. If it is a mega crude or a mega copper, you put a stop loss. Okay, this strategy, see sir, we are not gods. One day you will get a profit and one day you have to bear a loss depending upon the market scenario, depending upon your luck, we can say that. So this is only the strategy. So let's start with that. Before that I will explain this in Hindi. तो आज की strategy है commodity trading time. तो आपको क्या करना है दोस्तों, please आप observe कीजिए मेरे points को। अगर आप notes बनाना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि आपको entry होना है 10:05, because market open होता है 10 बजे, आपको 10:05 पे entry लेना है। entry कैसे लेना है, क्यों लेना है, मैं बताता हूँ आपको। और आपको एग्जिट कब होना है, 12 बजे आप एग्जिट हो सकते हैं, अच्छा टाइम है, 12:30 बजे या 1 बजे आप एग्जिट हो जाइए। आप दे रहे हैं कितना समय, 2:30 बजे से 3 बजे, ये तो इंडियन मार्केट से भी कम टाइम आप मुझे, मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग में दे रहे हैं। तो अब इसका क्या है, कैसे स्ट्रेटजी काम करते हैं। अगर कैंडल अगर रेड ओपन होता है कोई भी कमोडिटी का, चाहे वो कॉपर हो, क्रूड हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, तो आप उसको सेल कर दीजिए।
अगर कैंडल ग्रीन ओपन होता है तो आप उसको बाय कर दीजिए। कहीं बार ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा आइंदा कि अगर रेड ओपन हुआ सडनली ग्रीन चला गया, अगर ग्रीन ओपन हुआ सडनली रेड चला गया तो क्या कर सकते हैं। देखिए आप, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप स्टॉप लॉस आप अपने तरीके से रखिए ना। तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में, मैं मनी मैनेजमेंट यहाँ पे सिखाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसका कुछ सिनेरियोस होता है, उसका कुछ रूल्स होता है। देखिए अगर आप 30 पॉइंट पे जाते हैं तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, अगर 50 पॉइंट पे जाते हैं तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ये मनी मैनेजमेंट होता है, ये हर कमोडिटी में हर ट्रेडिंग में होता है। तो स्टॉप लॉस का टारगेट तो मैं 12:30 बजे या 1 बजे आप जो निकलते हैं तो वो आपको टारगेट आ जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस कभी कभी हिट भी होता है, जैसे मैंने कहा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो इतनी स्ट्रेटजी है। सी फ्रेंड्स, मेनी ऑफ देम विल एस्क इन द जीमेल माई ईमेल आई डी दैट सडनली फ्रेड ओपन्स एंड ग्रीन गोज देन वॉट वी हैव टू डू। मनी मैनेजमेंट आई एम नॉट एबल टू टीच हियर बिकॉज इट रिक्वायर्स सम क्राइटेरिया, सम बेसिक नेसेसिटीज, हाउ टू कैलकुलेट दैट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 40 पॉइंट्स यू हैव टू पुट स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स ऑफ ऑफ दैट, इफ यू आर गोइंग कॉपर विद व्हाट यू से 40 टू 30 पॉइंट्स देन यू हैव टू पुट 15 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, लाइक दिस सो मेनी मनी मैनेजमेंट इज एयर। गोल्ड इफ यू गो 100 यू हैव टू पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 50, सिल्वर सेम थिंग। सो स्टॉप लॉस यू हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू your capacity, that you have to do it. I can't explain here about the stop loss. So stop loss should be there because this commodity trading time is risky, and as well as it will give not that much movement, but it will give accurate profit. I will give you 100% that this strategy will give you accurate profit every day. मैं एक बात का आपसे वादा कर सकता हूँ कि ये आपको एक्यूरेट प्रॉफिट देगा। अगर एक दिन लॉस देगा तो 3 दिन प्रॉफिट देगा, अगर 2 दिन कंटिन्यूस लॉस दे रहा है तो 4 दिन आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। सो लेट अस गो विद द स्ट्रेटजी डायरेक्टली विद द चार्ट। दिस इज ए क्रूड ऑयल चार्ट आई हैव पॉप आउट, सो दिस इज द वन। एज यू नो दिस इज ए व्हाट यू से हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन्स। ओके, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपका प्राइस बोलता है, ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं जो आपका दिन बोलता है। सो दिस इज द डेट 16, 17, 18, 21 बिकॉज सैटरडे संडे एंड दिस इज 22। सो ये देखिए वर्टिकल लाइन है, ये दिन है 17, 18, 21, 22, ये प्राइस है। सो वॉट इज माई स्ट्रेटेजी सेज, प्लीज गो टू अगेन माई वीडियो। यू हैव टू एंट्री एट 10:05, यू हैव टू एग्जिट एट 12:31, so now is also 12:25, so this is also an exit time, so I will tell you, okay? तो अभी देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, आपको एंट्री लेना है 10:05 को और निकलना है 12:30 बजे या 1 बजे। और मेरा कंडीशन क्या था, अगर कैंडल रेड ओपन होती है तो सेल, ग्रीन ओपन होती है तो बाय। सो माई कंडीशन वॉज इफ कैंडल ओपन्स रेड सेल, इफ कैंडल ओपन्स ग्रीन बाय। सो अभी एग्जिट टाइम भी है, 12:30 बजे बज रहे हैं या 1 बजे भी बज रहे हैं, तो मैं ये सही टाइम है वीडियो बनाने का, तो मैं बनाया हूँ, देख लीजिए। सो लेट अस गो विद द एग्जांपल, आई विल शो यू द बैक टेस्ट, मैं आपको बैक टेस्ट भी करके बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस कंसिडर विद दिस व्हाट यू से 17th, ओके, तो देखते हैं 17। सो वी विल टेक 17 हियर। सो व्हेन यू जूम आउट और जूम इन, बिकॉज वैन यू जूम इन यू विल गेट द डेट्स 17, 18, 19। अगर आप जूम इन करते हैं तो आपको डेट मिल जाएगा 17, 17, 18, 21, 22। अगर आप देखिए बहुत अंदर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा, टाइम भी दिखाएगा आपको। देखिए मैं बहुत अंदर जाता हूँ तो 17 तारीख का अगर मैं लेता हूँ तो 12 बज गए। देखिए सो वैन आई गो जूम इन वेरी इन साइड इट विल शो यू द टाइम एट 12 o'clock। सो लेट अस गो विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, आई विल टेक ए लाइन। वॉट आई हैव टू डू इज 17 मॉर्निंग इट्सेल्फ, मॉर्निंग एट आई हैव टू टेक दिस करेक्ट, ओके, व्हाट टाइम इट हैज ओपन्ड, टेन फाइव, ओके, ओके 10:05 इट हैज ओपन एट 3:03 एंड अगेन आई हैव क्लोजिंग एट
12. Okay, this is the time, correct? So this is the time. देखिए मैंने मार्क कर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन पे. मैंने 10 बजे 3036 पे मैंने सेल किया था बिकॉज कैंडल ओपन हुआ था ग्रीन पे. तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ. सो वी विल कैलकुलेट दैट. ओके 3036.41 माइनस 3018.39 18 पॉइंट्स इनटू 100 मेगा. सो यू विल गेट 1802 रुपीस. तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे 18 पॉइंट्स मिल गए. तो अगर वो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1802 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया. सो दिस इज़ व्हाट. सो टुडे लेट अस गो विद दिस. टुडेज व्हाट आई हैव टू डू इज टुडेज बिकॉज लाइव आई हैव टू गो. सो आई विल जूम इन आउट टुडे. ओके टुडे सॉरी. तो चलिए देखते हैं आज का. ठीक है तो आज का अभी कितने हैं. तो मैं कैंडल जो है ग्रीन पे ओपन हुई. तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं बाय कर चुका हूँ मॉर्निंग. ठीक है मैं वो समझता हूँ ग्रीन पे ओपन हुई. मैं मॉर्निंग 10 बजे मैं बाय कर चुका हूँ 3065. ओपन कितने बजे कितना हुआ था आज, तो क्रूड देख लेते हैं कितना हुआ था आज. ओपन हुआ था 3060 पे. मैं 5 मिनट छोड़ता हूँ तो 3062 या 63 पे मुझे मिल जाएगा. 3062 चलिए इतने पे ही ले लेते हैं. 6564 चलिए यहाँ पे मैंने बैक कर दिया है. सो लेट अस सी दिस. टुडे इट इज़ ओपन एट 3060. वी विल टेक ए लिटिल बिट हायर पोजीशन ओनली. 3064 आई हैव टेकन ए बाई पोजीशन. नाउ इज 12:30. सो माय टाइम इज एग्जिट टाइम. सो आई विल एग्जिट हियर. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई एम गोइंग टू एग्जिट. ओके एग्जिट एट दिस पॉइंट. ओके आई हैव बीन एग्जिटेड इमीडिएटली. सो व्हाट इज माई प्रॉफिट. तो मैंने एग्जिट हो गया है. 12:30 हो गए, मैं एग्जिट हो चुका हूँ. सिर्फ 2.5 घंटे काम किया है. तो चलिए दोस्तों सो लेट अस कैलकुलेट विद दैट. 3064.99 माइनस 3080. सो आई हैव मेड 15 पॉइंट्स. दैट मीन्स 15 × 100 1500. देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ 20 आज 15 पॉइंट बनाया है. सुबह 10:05 से 12:30 बजे तक 15 पॉइंट यानी 1500 रुपये. तो 1500 रुपये मैंने बना लिया है. ऐसे ही अगर हम कॉपर में देखते हैं. सो लेट अस सी विद द कॉपर आल्सो. सो टुडे आल्सो लेट अस सी विद द कॉपर. सो आई विल गो एंड जूम आउट. सो कॉपर इज आल्सो टुडे बाय पोजीशन आई थिंक. सो 1 आवर टाइम फ्रेम इज 1 आवर. तो देखिए दोस्तों कॉपर का भी टाइम फ्रेम 1 आवर ही है सभी के लिए. तो मैं आज 22 तारीख है तो मैं इसको, तो कैंडल ग्रीन में ओपन हुई है. सो द कैंडल हैज़ बीन ओपन इन ए ग्रीन. सो व्हाट आई हैड डन इज आई हैड टेकन ए बाय पोजीशन. ओके सो आई टेक ए बाय पोजीशन एट दिस. ओके सो एंड आई सेल इट एट 12. What is the opening price and this one? 422. Okay, 422.10. So I am closing at this 425. So how much I have made? 421.69 minus 425. Almost 3 points. So सी फ्रेंड्स दिस इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज. देखिए मैंने आज 3 पॉइंट्स कॉपर में बना लिया है. तो ये स्ट्रैटेजी जो है आप चाहे कॉपर में कर सकते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, एनी कमोडिटी मेटल यू कैन ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी. आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो. सो हु हैज इट नॉट एट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. हाउ इज दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो. दिस इज इमरान अहमद फारूकी सेइंग बाय टू एवरीवन. बाय फ्रेंड्स. देखिए दोस्तों अब तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी बनाई है, जो दिखाया है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है. ये कोई आपको सिखा के नहीं देगा. ये कैसे काम करती है आप मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, मेल लिखिए. मैं आपके मेल का, कमेंट्स का इंतज़ार करता रहूँगा. मैं इमरान अहमद फारूकी आप सभी से विदा लेता हूँ. धन्यवाद.